भगवान गणेश प्रथमेश हैं। अच्छा, प्रथमेश बनने के पीछे एक कारण है, बहुत सी विविधताएं गणेश जी में हैं, पर एक विविधता विशेष है। उन्होंने अपने कुरूप स्वरूप को भी, गज बदन स्वरूप को भी अपमान में नहीं लिया, उसको भी प्रभु का सम्मान में लिया। परिणाम ऐसे विचित्र भेष वाले गणपति को भी प्रथम पूज्य देवताओं ने बना दिया। अब जरा समझना, हमने कई लोगों को देखा है, उनको अगर चेहरे पे दो चार फुंसी हो जाए तो वो दिन भर शीशे के सामने बैठे रहे, ऐसे ऐसे करेंगे, कभी ऐसे ऐसे करेंगे, करते ही रहते दिन भर करते। कुछ लोग, हमें एक डॉक्टर मिला, बोले गुरुजी कुछ लोग तो चेहरे की फुंसियों के चक्कर में डिप्रेशन में आ जाते। हमें बड़ी हंसी आई, हम कहा बताओ तो। अच्छा, किसी ने हमें बताया कि चेहरे की फुंसियों का बड़ा महंगा इलाज, तो हमें हंसी आई। हमने कहा एक दुनिया वाले जो छोटी सी फुंसी के चक्कर टेंशन में हो जाते, एक गणेश जी हैं विचित्र रूप पाकर के भी अटेंशन में हो गए हैं। टेंशन में नहीं, अटेंशन में हो गए। परिणाम यह प्रथमेश हो गए, प्रथम पूज्य बन गए। इसीलिए हमने कल भी कहा था, आज फिर प्रार्थना करते हैं, तुम्हें रूप कैसा मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने चरित्र का निर्माण कैसा किया यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ऐसे समझो, कोई बस बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, लेकिन इंजन ना हो या इंजन खराब हो, तो क्या बस किसी काम की है? बोलो हाँ जी या ना जी। ऐसे ही कोई आदमी कितना भी सुंदर हो पर चरित्र का ढीला हो तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। पर धन्य है गणपति जी, ऐसा विचित्र रूप पा करके भी क्या गुण पाए हैं कि देवताओं को प्रथम पूज्य बनाना पड़ा। बोलो गणपति भगवान की।